नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। क्वाड समिट में शामिल होने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आज टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से प्रधानमंत्री करेंगे मुलाकात। क्वाड की कैंसर मूनशॉट पहल से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्विकल कैंसर से निपटने में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने की $7.5 मिलियन देने की घोषणा। पीएम ने कहा, वन अर्थ वन हेल्थ है भारत का विजन। रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमता निर्माण में भी सहयोग देगा भारत। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर की द्विपक्षीय वार्ता। जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह देंगे प्रचार को धार। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी झोंकी ताकत। वहीं हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान से नाराज कुमारी शैलजा एक हफ्ते से प्रचार से दूर। कार्यकर्ताओं में बड़ी चिंता। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज। एनपीपी नेता अनुराधा नायके दौड़ में सबसे आगे। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा रुझानों में पीछे। और चेस ओलंपियाड में भारत की दोनों टीमें स्वर्ण पदक जीतने के करीब। आज फाइनल मुकाबले में पुरुष टीम की स्लोवेनिया से भिड़ंत। भारतीय महिला टीम का अंतिम दौर में अजरबैजान से होगा मुकाबला। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। पीएम यहां जब होटल पहुंचे तो उनका इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरे वातावरण में मोदी मोदी के नारे काफी देर तक गूंजते रहे। पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा आज ही अमेरिका की शीर्ष टेक कंपनियों के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क में भव्य स्वागत हुआ है। पीएम की अगवानी और स्वागत में भारतवंशी लोग घंटों इंतजार करते रहे। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की एक झलक पाने की बेताबी का आलम यह रहा कि लोग 6-6 घंटे से कतार में खड़े हुए दिखे। न्यूयॉर्क में भारतवंशी लोगों से बात की हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन न्यूयॉर्क में हो चुका है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उमड़ी हुई थी। आप कहां से आई हैं, क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क आ चुके हैं, 6 घंटे से वेट कर रहे हैं। एंड इट वाज सो गुड टू सी हिम बिकॉज आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन। वी लिव ओवर हियर बट वेरी प्राउड टू बी इंडियन एंड वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी। व्हाई? बिकॉज ही पुट इंडिया ऑन द मैप इन द एंटायर वर्ल्ड एंड सो वेरी प्राउड ऑफ हिम। कि हमारे जो प्रधानमंत्री है भारत के, आज तकरीबन दुनिया में बहुत फेमस हैं और हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी सारी कैबिनेट का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक कि ये जिंदा ही है वो इंडिया का प्रधानमंत्री बना रहे। उन्होंने दुनिया में सबसे अच्छे अच्छे काम करे, लोगों को बढ़ाया, हमारे आगे किया सबको और नाम कितना रोशन किया। और हम वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड, हम उनको स्वागत करेंगे नासा काउंटी में। मोदी जी का अमेरिका में वेलकम करते हैं और मोदी जी का हम लोग इतने रात में आके वेट करके क्यों नहीं आए वेलकम करने के लिए। उन्होंने इंडिया को अभी इतना आगे लेके गए हैं जो पूरे अमेरिका में भी उनकी पूछ है और अमेरिका में भी जो इंडियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं
उनकी भी काफ़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। तो ये मोदी जी का करिश्मा है और जो इंडिया को इस लेवल पे लेके गए हैं, जो कि अमेरिका में भी उनके कदम रखने पे पूरा हलचल है। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं। जितने भी आज तक प्रोग्रेस हमने देखा है वर्ल्ड वाइड, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। ही इज नंबर वन प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तो रात भर रुकते, और ये क्राउड जो है अब फिर देखने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय का संबोधन करेंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। वही एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव और लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी में भी सहयोग के लिए आश्वासन किया। यह अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का योगदान गावी और क्वाड की पहल के अंतर्गत उन्होंने कहा कि वे भारत देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। एज यू कैन सी व्हेन द क्वाड एक्ट्स, इट इज नॉट जस्ट फॉर नेशंस, इट इज फॉर द पीपल। दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ अवर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। धन्यवाद। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस वार्ता कर भारत के पहल के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। मिनिस्टर अंडरलाइंड इंडियाज अप्रोच ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्टैक्ट एंड एंगेजमेंट फॉर ग्रोथ विद अ वैरायटी ऑफ पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक। इट वाज स्ट्राइकिंग टू हियर द अदर क्वाड लीडर्स एक्नॉलेज इंडियाज एक्शंस एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हियर देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडिया, which really underlines the need to continue to work and sustain this enormous trust that India has earned from its partners. Prime Minister announced a grant of $7.5 million for making available HPV sampling kits, detection kits and cervical cancer vaccines to countries in the Indo-Pacific as part of the Cancer Moonshot initiative. India will also offer technical assistance and capacity building on DPI in cancer care to interested countries from the Indo-Pacific through its commitment of $10 million to the WHO's Global Initiative on Digital Health. There's a commitment from the Serum Institute of India in partnership with Gavi and the Quad to support orders of up to 40 million HPV vaccine doses for the Indo-Pacific region. India will also invest $2 million in setting up new solar projects in Fiji, Comoros, Madagascar, and Seychelles. The Quad partners agreed to launch a maritime initiative for training in the Indo-Pacific. It's called Maitri, to enable Indo-Pacific partners to maximize tools provided through IPMDA and other Quad initiatives.
यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि कोर्ट में किन अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है और सहमति बनी, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब जानते हैं कि विल्मिंगटन में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में आखिर किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। आइए एक नजर डालते हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त वक्तव्य पर। दरअसल आपको बता दें, क्वाड समूह ने मैरिटाइम सिक्योरिटी पर फोकस किया है। क्वाड देशों की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल मैत्री की घोषणा की गई है। वहीं IPMDA और अन्य क्वाड पार्टनर पहल के जरिए दिए गए उपकरणों की वृद्धि पर सहमति भी बनी है। उधर जल की निगरानी और सुरक्षा, उनके कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार रोकने में सक्षम बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2025 में भारत मैत्री वर्कशॉप की मेजबानी करेगा और उसके साथ समुद्री कानूनी वार्ता के शुभारंभ का स्वागत भी किया गया है। इसके अलावा समुद्री कानूनी वार्ता हिंद प्रशांत में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए होगी और क्वाड साझेदार आने वाले वर्ष में IPMDA में नई तकनीक और डेटा शामिल करने के पक्षधर हैं। इसके साथ ही साल 2025 में पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि जिन अहम बिंदुओं पर बात हुई है और साथ ही सहमति बनी है, उसमें क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन में अमेरिकी तटरक्षक, जापानी तटरक्षक, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और भारतीय तटरक्षक होंगे। इसके साथ ही इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा भी इसके साथ कर दी गई है। साझा एयरलिफ्ट क्षमता को आगे बढ़ाने और सामूहिक लॉजिस्टिक्स शक्तियों का लाभ उठाने के लिए होगा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपको बताएं कि जो नए बिंदुओं पर सहमति बनी है वो है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक तेजी और कुशलता लाने का समर्थन किया गया है। इसके अलावा जिन 4 देशों के बीच सहमति हुई है उसमें फ्यूचर पार्टनरशिप के क्वाड पोर्ट्स की घोषणा भी की गई है। इंडो पैसिफिक में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया गया है और इसके साथ ही साल 2025 में मुंबई में भारत की ओर से क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें 2,200 से अधिक विशेषज्ञों के लिए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप के विस्तार की सराहना भी की गई है। संयुक्त वक्तव्य में ये कहा गया है कि विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान के लिए साझेदारी के महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा पर भारत को गर्व है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक के छात्रों को $500,000 की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने की घोषणा भी भारत की ओर से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्राचीनी स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। पीएम ने चांदी की बनी हुई और हाथ से उकेरी गई नक्काशी वाले ट्रेन के मॉडल उपहार को राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया है। यह विंटेज ट्रेन मॉडल एक दुर्लभ और असाधारण कृति है जिसे महाराष्ट्र के कारीगरों द्वारा कुशलता से तैयार किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाते हुए इस मॉडल पर दिल्ली, डेलावेयर और इंजन पर भारतीय रेलवे उकेरा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के लिए पश्मीना शॉल भेंट की है। असाधारण गुणवत्ता और बेजोड़ सुंदरता वाली पश्मीना शॉल जम्मू और कश्मीर से आती है। पश्मीना शॉल पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है जो अपने धागों में यादें और भावनाएँ समेटे हुए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक और बड़ी पहल की गई है जिसमें अमेरिका ने 297 कलाकृतियां भारत को
सौंपी गई हैं। भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी से दुनिया के अलग अलग देशों में हुए पुरावशेषों की स्वदेश वापसी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साल 2014 के बाद अब तक भारत द्वारा बरामद कलाकृतियों की कुल संख्या 640 हो गई है। पीएम मोदी की साल 2021 में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने 157 पुरावशेष सौंपे थे। इनमें 12वीं शताब्दी ईस्वी की उत्कृष्ट कांस्य नटराज मूर्ति भी शामिल थी। साथ ही 2023 में पीएम की अमेरिका यात्रा के कुछ दिन बाद 105 कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। अमेरिका के अलावा अन्य देशों से भी कलाकृतियां बरामद हुई हैं। इसके विपरीत 2014 से 2013 के बीच केवल एक कलाकृति भारत लौटी थी। United States, I would point to a very special feature of that bilateral meeting, which was the return of nearly 300 antiquities to India. So here we were talking not just about Vikas, but also about Virasat. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या है युवाओं के मुद्दे, बात किस पर, हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने युवाओं से, आप इस बातचीत को सुनिए, उनकी आकांक्षाओं को सुनिए और जानिए कि दूसरे चरण के मतदान के लिए लोग किस तरीके की उम्मीद वहां कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए काफी उत्साह है और विशेषकर हम बात करें युवा वोटर्स की, तो न केवल युवा जो है यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में सामने आ रहे हैं, बल्कि बहुत से युवा वोटर भी हैं। 20 लाख से ज्यादा युवा वोटर जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, जो यहाँ पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। क्या कुछ है उनकी उम्मीदें, क्या चाहते हैं वो, उन्हीं से जानेंगे, वही हमें बताएंगे। इस बार मैं पहली बार वोट डालने वाला हूँ, मेरी काफी उम्मीदें हैं। जो नई कैंडिडेट्स हैं तो वही, वो तो एक ट्रस्ट करना पड़ेगा उनपे, तो मेरा ख्याल है कि जितने एजुकेटेड यूथ इसमें आगे आएंगे तो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एजुकेशन से हम यहाँ पे तब्दीली ला सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस अलग अलग दल लगाते हैं, क्या उनसे भी कुछ असर पड़ता है? हमेशा प्रोज एंड कॉन्स को भी हमें देखना होता है, एक लीडर की पॉजिटिविटी को भी देखना, तो वो किस प्रकार से अपनी बात को आगे रखता है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, मेन क्राइटेरिया है ये देखने के लिए। जरूरी है सोच समझ के ही हमें मतलब अपना वोट कास्ट करना है। अगर पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मैंने काफी चीजों में पॉलिटिकल को एनालाइज किया है, चाहे वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो या मेन स्ट्रीम पार्टीज का भी हो, तो एक अंदाजा हो चुका है अब हमें क्या करना है। पिछले 10-20 सालों में कश्मीर के हालात क्या था, जब मैं छोटा था तो क्या होता था, उसका रिजल्ट आज तक जीरो मिला है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमें तब्दीली लानी है तो हमें एजुकेशन से ही लानी है। हमारा मेन फोकस रहेगा एक तो कश्मीर की जो अभी तक डेवलपमेंट थी उसको थोड़ा आगे और लेके जाना है, और जो हमें फैसिलिटीज एंड जो जॉब्स प्रोवाइड अभी तक हो रहे तो उसमें थोड़ा और इजाफा करने की कोशिश करनी चाहिए जो भी पार्टीज यहाँ पे इलेक्टेड हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं उनमें मतदान को लेकर काफी उत्साह है और उनका कहना है कि वोट जो है वो इस बार ऐसे ही नहीं करेंगे, बल्कि वो सभी मैनिफेस्टोस को पढ़ रहे हैं, क्या कुछ बातें चुनावी दल कर रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, और बहुत सोच समझ कर उनको मतदान करना है, क्योंकि इसी मतदान से उनके भविष्य की राह प्रशस्त होगी, और इसीलिए इस चुनाव को लेकर इनमें काफी उत्साह भी है। रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर।